नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है बड़ा ही अद्भुत, वो भी सफलता। और सफलता के लिए केवल चार ग्रहों का महत्वपूर्ण रोल। कौन से हैं वो? गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र। हमारे हथेली पर यदि चार ग्रह अच्छी अवस्था में हैं, वेल डेवलप्ड, तो भी हमको अपार सफलता मिल सकती है। कैसे? आइए करते हैं विश्लेषण। पहले गुरु, यह आपका गुरु पर्वत, वेल डेवलप्ड, क्या देता है? ज्ञान, अध्यात्म, धार्मिकता, शैक्षिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, परिवार सुख, संपन्नता, उच्च पद, मान सम्मान, जीवन सफल। अगर अकेला गुरु ही वेल डेवलप्ड हो, और देखिए ये शुक्र वेल डेवलप्ड क्या दिखा रहा है? जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी, खूब संपन्नता होगी, सुख सुविधाएं होंगी, भोग की सब चीज़ें होंगी। तो जातक के जीवन में बड़ा ही मेटलिस्टिक एरा है ना, संपन्नता पर बहुत जोर, सुख सुविधा पर बहुत जोर, सुख सुविधाएं अच्छी, जीवन सफल। आगे चलिए, बुध वेल डेवलप्ड, तो जातक के पास में बौद्धिक कौशल जबरदस्त होगा, बौद्धिक ज्ञान जबरदस्त होगा। सफलता कैसे प्राप्त करनी है? अपनी बौद्धिक योग्यता को कहाँ इस्तेमाल करना है? सफलता का बहुत बड़ा कारक, अगर बुध अच्छा है तो आपको संपन्न बनाएगा, सफल भी बनाएगा। तेज बुद्धि के स्वामी हैं आप, व्यापार और कला में आपको सफलता मिल सकती है। और देखिए ये चंद्र पर्वत, वेल डेवलप्ड, चंद्र क्या देता है? अद्भुत विचार, रिफाइंड सोच, आपका स्वभाव बहुत ही कला प्रेमी, सॉफ्ट हार्टेड बनाता है आपको, एपिक्यूरियन बनाता है आपको। आपके अंदर बड़े अच्छे कला प्रिय गुण देगा। तो अद्भुत सोच कहाँ से मिलेगी आपको? चंद्र से। और सफलता के लिए अद्भुत सोच, अनोखी सोच बहुत आवश्यक। अब ज्ञान भी है, संपन्नता भी है, और अद्भुत सोच भी है, और अद्भुत हमारे पास बुद्धि भी है, तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। एक दूसरा गहरा पहलू देखिए आप लोग, यदि मैं इस हथेली के बीच में एक लाइन ड्रॉ करूं, तो अंगूठे के तरफ जो पर्वत हैं वहां पर फायर एलिमेंट ज़्यादा होता है, मतलब कॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड क्या करता है? आदमी को कर्मठ बनाता है, जोशीला बनाता है। तो सफल होने के लिए जातक के पास में कर्मठता भी है, विल पावर भी है, सोच को इम्प्लीमेंट करने की। अब सोच कहाँ से आएगी? ये जो हथेली छोटी उंगली के नीचे वाले पर्वत है, ये हैं हॉट, और ये वाले हैं कोल्ड। कोल्ड माउंट वो प्रतीक है सब कॉन्शियस माइंड के। सब कॉन्शियस माइंड मतलब सोच। आदमी के पास प्लानिंग अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी, और यहाँ पर जोश अच्छा होगा, कर्मठता अच्छी होगी, और दोनों में बैलेंस हो गया। हो सकता है बुध
गुरु चंद्र शुक्र, अगर आपकी हथेली में ये चारों पर्वत ही वेल डेवलप्ड हैं तो भी आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास फायर एलिमेंट माउंट्स और वाटर एलिमेंट्स माउंट्स, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कर्मठता और यहाँ पर सोच, इसका बड़ा अच्छा बैलेंस बन गया। सफलता निश्चित मिलेगी आपको। सारे पर्वतों का अनुकूल होना जरूरी नहीं, चार पर्वत चार ग्रह आपको सफलता दिला सकते हैं, आपको खूब संपन्न बना सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। चाहे आपका शनि कैसा हो, सूर्य कैसा हो, राहु कैसा हो, चाहे मंगल कैसा हो, अगर चार अच्छे हैं तो सफलता निश्चित। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, सी यू सून।